दोस्तों, सिंगारा और सुतनी और इसे हम कहते हैं आमला, आमला में पनियाला बोलते हैं इसको। भैया जी क्या बोलते हैं ये? और है दोस्तों, सभी मिला करके 25 रुपीज 250 ग्राम मिल रहा है सभी मिला करके दोस्तों। तो हरा वाला जो होता है आज मार्केट में दोस्तों बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत देखिए बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है दोस्तों। अरे सेब कैसा? 100 में 150 दोस्तों, ऐसा सेब देखिए 100 रुपया के जी है, कश्मीरी सेब है। बहुत ज्यादा दोस्तों भीड़ है, बस वीडियो भी बने रही है। काला काला लगते हम तो दोस्तों एक पॉन्ड्स का एक पाउडर लगाए हैं दोस्तों, बस और कुछ नहीं लगाए, बस ये बहुत ज्यादा। लेकिन मैं इनको कुछ लगाने के लिए मना नहीं की हूँ, मैं कहती हूँ लगाने, ये नहीं लगाते तो इसमें इनकी गलती, मेरी कोई गलती नहीं है। इसलिए ये जो बोल रहे हैं मैं नहीं लगाता हूँ तो ये तो इनकी गलती है, क्यों नहीं लगाते आप लोग इनको समझाइए, ये क्यों नहीं लगाते? ये देखिए फेस कितना काला होते जा रहा है, देख लीजिए आप लोग। अब लड़कियों की जो क्रीम होती है होता है दोस्तों, क्या उसमें उसका यूज हम लोग थोड़ी कर सकते हैं? ऐसा थोड़ी होता है, कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं। लड़कियों के अनेक तरह का मेकअप होते हैं वो। हाँ तो लड़कियों जैसा सारे मेकअप यूज नहीं करेंगे, बाकी और तो क्रीम तो यूज कर सकते हैं ना। लोग ज्यादा नहीं लगाते हैं, बस इतना ही दोस्त। देखिए कितना मेकअप करती जा रही है, नहीं मैं पहले से ही साफ हूँ। ये जो है ना, और जो है उनमें दाल में जो है ना आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही, आप लोग इनको समझाइए, इनको भी कहिए थोड़ा थोड़ा मेकअप करने फास्ट कीजिए, और हम लोग चलेंगे मार्केट। और दोस्तों मेरे वीडियो पे जरूर बने रहिए, मतलब बने रहिए मेरे वीडियो पे। तो देखिए दोस्तों तैयार हो चुकी है, अभी पूरा तैयार नहीं हुई हूँ, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है तैयार, लेट हो जाएगा मार्केट जाने में क्योंकि छठ पूजा का भी सामान लाना है दोस्तों। ये पहनना बाकी है, और आप लोग बतलाइए हमारा ये जो है चूड़ी कैसा लग रहा है, देख लीजिए आप लोगों को नहीं दिख रहा हुआ, ये देखिए कैसा कलर है दोस्तों, और कलर और मैं अब इसे देखिए अभी हाथ खाली कर ली हूँ, ये पहनी थी इनको खोल ली हूँ, अभी ये पहनने वाले हूँ। आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा कैसा कलर है, क्योंकि एक हाथ में आ गया है, अब दूसरा बाकी है। देखिए दोस्तों फाइनली रूप से ये पहन ली है, कैसा लग रहा है? ये देखिए मैं पहन के बिल्कुल रेडी हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, और कैसा लग रहा है हमारा ये चूड़ी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा है, इधर अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बाकी है। नहीं नहीं अब रेडी हो चुके हैं बिल्कुल, और अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। हेलो दोस्तों, फाइनली रूप से हम दोनों तैयार हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए, अब हम लोग मार्केट निकलेंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स अब मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, जैसा कि आप लोग यहाँ पर अब देख रहे होंगे कि ये देखिए मैं बिल्कुल तैयार होकर रेडी हो चुकी हूँ, और अब मार्केट जाने के लिए मैं बिल्कुल ही तैयार हूँ। तो ये देख लीजिए मैं झोला को हाथ में ले चुकी हूँ, और अब मार्केट के लिए निकल रही हूँ यहाँ पर घर से बाहर। ये देखिए अब मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हूँ, और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, ये हस्बैंड भी है हमें, और यहाँ पर वो निकाल चुके हैं, और मैं अब यहाँ पर बैठ के जाने वाली हूँ मार्केट, और तब तक हमें वीडियो में बने रहिए और हमें वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों फाइनली रूप से मैं मार्केट पहुंच चुका हूं, देखिए ये बहुत भीड़ लगा हुआ है, पीछे जो है बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ है, इधर भी बहुत ज्यादा भीड़ है, और ये मेरी वाइफ है,
मेरे वाइफ है और मैं पहुँच चुका हूँ। दोस्तों बहुत ज्यादा भीड़ है, ये देखिए कि मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ है, मेरे मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़। भैया जी वो कैसे सेल है? दोस्तों वो 100 का 1.5 किलो है दोस्तों। दोस्तों नारंगी 80 रुपया के जी है, 80 रुपया के जी है दोस्तों। दोस्तों देखिए पटाखा का दुकान है, अच्छा दुकान लगा है पटाखा का, पटाखा का दुकान है। आज मार्केट में दोस्तों बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत देखिए बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है दोस्तों। सेब कैसे? 100 में 1.5 किलो दोस्तों। अच्छा सेब देखिए 100 रुपया के जी है, कश्मीरी सेब है। बहुत ज्यादा दोस्तों भीड़ है, बस वीडियो भी बने रहिए। तो 5 रुपया फीस है दोस्तों। मूली 20 रुपया के जी है और मैंने आधा के जी लिया, आधा के जी दोस्तों। बहुत ज्यादा दोस्तों भीड़ है, अदरक तो दोस्तों ले चुके हैं, अदरक ले चुके हैं। दोस्तों सिंगारा और सुतनी और इसे हम कहते हैं आमला, आमला में पनियाला बोलते हैं इसको। भैया जी क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं ये? और है दोस्तों सभी मिला करके 25 रुपीज, 250 ग्राम मिल रहा है सभी मिला करके दोस्तों। तो हरा वाला जो होता है वो खट्टा कौन खाएगा? खट्टा नहीं होता है, खट्टे होता है, खट्टा नहीं होता है। हल्दी भी दीजिए ना, दे रहे थे बोला नहीं, बस छोड़ दो। हल्दी बोले आप रही तो क्या करें? 25 रुपया दोस्तों। केला जो है 30 रुपया दर्जन है, ये 30 रुपया दर्जन है। निकाल लिया चालीस। चीनी दोस्तों 1 केजी ले रहा हूँ, 42 रुपये के जी है, 42 रुपये। किशमिश दोस्तों 30 रुपये 100 है। तोड़ दीजिए ना, किशमिश कम हो गया, 2-4 थोड़ा सा किशमिश और लगेगा। किशमिश 30 रुपये है और गैरी भी 30 रुपये 100 है दोस्तों। 80 रुपया जोड़ा है लेकिन 40 रुपये में 1 पीस मैंने लिया हूँ। भैया
तो लाल वाला लड्डू 35 रुपया पौवा है और मैं बताशन ले रहा हूँ, लाल वाला लड्डू लेना है दोस्तों। ऑलरेडी हम लोग शॉप मतलब जो है मार्केट आए थे, मार्केट में फल खरीदने छठ के लिए, तो ऑलरेडी हम लोग फल खरीद चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्कूटी है और वहाँ पर फल है। ये देखिए, ये थैले में फल है, मैं घर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। और मैं फल ऑलरेडी खरीद चुकी हूँ, हम लोग फल खरीद चुके हैं, सारे फल जो है खरीदारी हो चुके हैं, तो अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी अब जो है हम लोग घर जा रहे हैं, घर के लिए निकल चुके हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, मैं रास्ते में खड़ी हूँ और मार्केट में बहुत अधिक भीड़ थी, जो कि मैं आपको वीडियो में आप देखे ही होंगे। इतना अत्यधिक भीड़ जो है मार्केट में फल लेने में भी हमको जो है 3 घंटे लग गए, तो इसलिए अब मैं घर चल के आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। तब तक के लिए यहाँ पर देख लीजिए, हमारे हस्बैंड जी भी है यहाँ पे खड़े हैं स्कूटी के पास, अब घर जाने के लिए कह रहे हैं। अभी ऑलरेडी जो है हमारा तबीयत भी खराब हो चुका है, मार्केट आते आते मार्केट आई और तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब होने लगा, तो इसलिए अभी हम वीडियो नहीं बना सकेंगे, घर जाकर आपको फिर बताएं। जितने सारे फल थे मैं खरीदी थी मार्केट में, ऑलरेडी सारे फल को जो है एक थैले में लेकर घर पे आ चुकी हूँ और स्कूटी भी लग चुकी है और मैं भी घर में आ चुकी हूँ और फल को घर में अच्छे से रख चुकी हूँ और अब मैं बिल्कुल ही फ्री हो गई हूँ। और मार्केट में अत्यधिक भीड़ रहने की वजह से मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है और मार्केट में मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, तो किसी तरह मैं घर पहुंची हूँ। बहुत मेहनत लगी, बहुत कष्ट हुआ घर तक आने में। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हमारी वीडियो को इसी तरह सपोर्ट कीजिए, हम वीडियो को देखते रहिए और जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।